योजना से संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, ब्याज, इन्वेस्टमेंट, टैक्स बेनिफिट, इन्वेस्टमेंट बेनिफिट, क्या आप सुकन्या समृद्धि योजना को मैच्योरिटी से पहले आप बंद कर सकते हैं या नहीं, तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को बिना स्किप हुए लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। तो सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लाभ के लिए शुरू की गई सरकार द्वारा समर्पित एक बचत योजना है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक हिस्सा है और 10 वर्ष से कम की बालिकाओं के माता पिता इस योजना के तहत बालिकाओं का अकाउंट खोल सकते हैं। ये अकाउंट बैंक और पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है और अकाउंट को 21 वर्ष तक या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना ब्याज दर की। तो सुकन्या समृद्धि योजना ब्याज दर जो अभी प्रेजेंट टाइम में 8.2% ब्याज दर लागू है। उसके बाद हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना एलिजिबिलिटी की। तो सुकन्या समृद्धि योजना को केवल बालिकाओं के नाम पर माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। दूसरा, अकाउंट खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, तभी आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को खोल सकते हैं। एक बालिका के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट नहीं खोला जा सकता, यानी कि एक बालिका का अकाउंट एक बार ही खुलेगा, दूसरा अकाउंट आप नहीं खुलवा सकते हैं। उसके बाद एक परिवार में केवल 2 सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने की अनुमति है, लेकिन कुछ कंडीशनों में आप सुकन्या समृद्धि योजना का तीसरा अकाउंट भी आप खोल सकते हैं। जैसे कि यदि जुड़वा या 3 लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है या अगर पहले एक साथ 3 बच्चे पैदा होते हैं तो तीसरा अकाउंट खोला जा सकता है। यदि जुड़वा या 3 लड़कियों के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म होता है तो तीसरा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट नहीं खोला जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बेनिफिट की, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको इन्वेस्टमेंट करने पर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना में जो कई प्रकार के बेनिफिट प्रदान करती है, जैसे कि आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि आपको अधिक ब्याज दर मिलता है। तो पीपीएफ जैसी अन्य सरकारी योजनाओं की तुलना में सुकन्या समृद्धि योजना में अधिक ब्याज दर मिलता है। इस योजना में अभी यानी कि वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के मुताबिक 8.2% ब्याज दर लागू है। उसके बाद गारंटीड रिटर्न, इस योजना में आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है, यानी क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो सरकारी स्कीम है, इसलिए इसे गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है। उसके बाद टैक्स बेनिफिट, सुकन्या समृद्धि योजना की धारा 80C के तहत आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स छूट का भी लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी व्यक्ति इस वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप उसी के मुताबिक इस योजना में निवेश कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्रेंड्स की कंपाउंडिंग बेनिफिट। कंपाउंडिंग यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना में एक लंबी अवधि की निवेश योजना है, क्योंकि ये वार्षिक कंपाउंडिंग यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ प्रदान करती है। इसलिए अगर आप कम निवेश भी करते हैं तो आपको लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे इस अकाउंट को आसानी से आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना को देश के किसी भी हिस्से में आप बैंक में हो या आपका पोस्ट ऑफिस में खाता हो आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में आप डिपॉजिट लिमिट क्या है, आप कितना जमा कर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई भी व्यक्ति एक न्यूनतम 250 रुपये अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक सालाना
इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक आपको इसमें जमा करना होगा। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे मैच्योरिटी पीरियड की। तो सुकन्या समृद्धि योजना की जो मैच्योरिटी पीरियड है वो बालिका के 21 वर्ष होने या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक होती है। हालांकि ये निवेश आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक आपको इस अकाउंट में निवेश करना होगा। उसके बाद अगर आप निवेश करें या न करें उसमें आपको ब्याज मिलता रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स सुकन्या समृद्धि योजना के कुछ अलग से बेनिफिट हैं, फीचर हैं, जिसमें यदि कोई सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट होल्डर 250 रुपए की न्यूनतम राशि भी जमा नहीं कर पाता है तो उसके अकाउंट को डिफॉल्ट अकाउंट कहा जाएगा। यानी कि लेकिन इस डिफॉल्ट अकाउंट पर भी मैच्योरिटी की तारीख तक लागू ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि डिफॉल्ट किए गए अकाउंट को खोलने के 15 साल पूरे होने से पहले कम से कम 250 रुपए प्लस 50 रुपए जुर्माना का निवेश करके भी आप रीओपन करवा सकते हैं। एक बालिका 18 वर्ष की होने के बाद वो पोस्ट ऑफिस या बैंक जहां उसका अकाउंट है सभी अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को जमा करके अपने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को मैनेज कर सकती हैं। लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर या उसकी 10वीं पास करने के आगे की पढ़ाई के लिए अकाउंट से आप 50% तक आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। पैसा एक साथ या आप इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकता है। एक साल में एक बार ही आप अधिकतम 5 साल तक इन्वेस्टमेंट से पहले क्या आप बंद कर सकते हैं या नहीं। तो 18 वर्ष की हो जाने पर शादी के खर्च के बालिका द्वारा ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ विशेष परिस्थितियों में अकाउंट को बंद किया जा सकता है, जैसे कि जो उसका अमाउंट भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, यानी कि अगर योजना में रजिस्टर्ड बालिका की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में माता पिता या कानूनी अभिभावक उसमें जमा अमाउंट या ब्याज को विड्रॉ कर सकते हैं या नॉमिनी के अकाउंट में ये राशि तुरंत जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा माता पिता या कानूनी अभिभावक को अकाउंट होल्डर्स की मृत्यु से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत करने होंगे। सभी संबंधित अधिकारियों की वेरीफाई कराए जाने होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अकाउंट जारी रखने में असमर्थता, इसमें कुछ चीजें होती है। अगर केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश निवेशक को निवेश करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसे सुकन्या समृद्धि योजना को समय से पहले आप बंद कर सकते हैं। यदि अकाउंट में निवेश करने की वजह से जमाकर्ताओं को किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो इसे बंद किया जा सकता है। लेकिन ध्यान ये बात रखना है कि केवल मेडिकल इमरजेंसी जैसे मामलों में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट को बंद किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना में आप निवेश कैसे कर सकते हैं। तो आप इस योजना में अपने नजदीकी किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर उसमें फॉर्म पे ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करना होगा। वहीं से आप इसमें अपना खाता ओपन करवा सकते हैं और उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना में टैक्स बेनिफिट की। तो टैक्स के मामले में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट जो होता है ईईई निवेश यानी कि जिस पर टैक्स लागू नहीं होता है तो इसे रूप में रखा गया है। इसका मतलब है कि निवेश में किया गया पैसा और ब्याज के साथ साथ मैच्योरिटी पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना के मौजूदा टैक्स नियमों के तहत इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत निवेश की गई मूल राशि पर सालाना इनकम टैक्स का भी रिटर्न प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए तक कटौती का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना को आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स की सुकन्या समृद्धि योजना को आप यानी कि आप उसमें बचे हुए अमाउंट पर आप लोन ले सकते हैं या नहीं। तो सुकन्या समृद्धि योजना की शेष पर लोन आप नहीं ले सकते हैं, ये फैसिलिटी अभी नहीं है। तो आप पीपीएफ अकाउंट लोन का विकल्प आप उठा सकते हैं। तो क्या सुकन्या समृद्धि योजना को, जैसे कि बेटी किसी अन्य देश में अपनी वहां की नागरिकता ले लेती है, तो क्या सुकन्या समृद्धि योजना को आप जारी रख सकते हैं या नहीं। तो सुकन्या समृद्धि, अगर आपकी बेटी एनआरआई का वहां पे नागरिकता ले लिया है, तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना को अकाउंट को बंद करवाना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपको न्यूनतम, जैसे कि अभी आप किसी बीच में किसी कारणवश आपने भूल गए हैं इंस्टॉलमेंट जमा करना है, तो आपको उसमें कितनी पेनल्टी देनी होगी। तो आपको कम 250 रुपये प्लस जितनी अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसका 50 रुपये आपको पेनल्टी देनी होगी, तब आप अपने खाता को रीओपन करवा सकते हैं। उसके बाद हम फ्रेंड्स आप बात करेंगे कि आप सुकन्या समृद्धि योजना में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो सुकन्या समृद्धि योजना में अभी ऑनलाइन कोई फैसिलिटी नहीं कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात सिर्फ रह जाती है कैलकुलेशन की, तो सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेशन की। तो सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेशन का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स वहाँ से आप क्लिक करके आप सुकन्या समृद्धि योजना में 1000, 2000, 3000, 5000 से लेकर के आप 15000 रुपये तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा और मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको सुकन्या समृद्धि योजना से सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कोई भी सवाल आपका रह गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता दीजिएगा फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी और भी संबंधित वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।